हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्लास 10th के लिए है आपका ये वीडियो, और ये हिंदी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़े, अभी क्योंकि आप नया साल आने को है, आप मस्ती के मूड में होंगे थोड़ा सा। लेकिन आपको मैं बता दूं, हिंदी में आपको क्या क्या एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, जिससे कि आपको अच्छी तैयारी आगे हो सके। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये 100% इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आइए हम बताते हैं आपको, 10 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा, 10 ऐसे प्रश्न यहाँ पे मैं नोट किया हूँ, जो कि 100% आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। लगभग 10 सालों से इसी तरह के प्रश्न आपको रिपीट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पहला पॉइंट आपको हिंदी में, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि या लेखक, जो भी रचनाएं होंगे उन इसके आपको याद कर लेना है, उनके कवि और लेखक, ये एक से दो, एक नंबर में तो आपको पूछा जाता है 100%। जो कि स्टार्टिंग का जो भी प्रश्न होता है, या तो बहुविकल्पी के रूप में या तो पूछ लेगा, या आपको अतिलघु उत्तरी के रूप में पूछ लेगा, लेकिन एक नंबर का वो प्रश्न रहता है आपका। अब देखिए, अब ये दूसरा जो प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है। जब भी इसकी पूछा जाएगा ना, द्विवेदी योग या छायावाद योग या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं रीतिकाल की दो दो विशेषताएं बताइए। पूछ देगा कि छायावादी युग की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जब भी ये 2 विशेषताएं दे देगा ना, तो एक विशेषता अगर आप लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर दोनों विशेषताएं लिखेंगे तो 2 नंबर आपके कन्फर्म मिल जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न ये पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर में। तो यहां से आपको 3 नंबर टोटल यहां से प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि एक ही प्रश्न ये पूछेगा, एक प्रश्न और भी दे सकता है या 2 प्रश्न भी दे सकता है। ठीक, यहां से भी एक नहीं 2 प्रश्न मिल सकता है, लेकिन आपको मैं मिनिमम बता रहा हूं, 3 नंबर यहां से आपको प्राप्त होगा, 3 नंबर प्राप्त होगा यहां से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको मालूम होगा, अगर आपको सीनियर जो भी होंगे 12th क्लास के, आपको जरूर बताए होंगे कि यहाँ पे जीवन परिचय आता है। जीवन परिचय कितने रहते हैं? 2 जीवन परिचय आपको रहते हैं। ठीक, जीवन परिचय एक कवि होते हैं, एक लेखक होते हैं। तो लेखक कवि के इधर मैंने बताया जीवन परिचय, और लेखक का इधर है जीवन परिचय। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, जो कि 10 सालों से ये हमेशा ये जीवन परिचय रिपीट होते पूछे जा रहे हैं, 10 सालों से हमेशा रिपीट हो रहे हैं। तो इसको आपको 100% आपको याद कर लेना है। इतना आपको मिनिमम आपको इतना याद करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको इतना मिनिमम याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही याद कर लें और आपको मालूम ना चले। तो मिनिमम 3-3 याद कर लीजिए। पहला आपको जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उसके बाद तुलसीदास का, सूरदास का, महादेवी वर्मा का। ये आपके कवि है, इधर के आपके कवि है ये, और इधर के आपके लेखक है। ठीक, लेखक और कवि आपको पूछा जाता है, जबकि ये भी 3 नंबर आपको लेखक से मिलेगा और 3 नंबर आपको कवि से मिलेगा। ठीक, तो 3-3 6 नंबर यहां से टोटल जीवन परिचय से आपके कंफर्म हो सकते हैं, अगर आप यहां से याद कर ले तो। अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक आपको जरूर 100% आपको श्लोक याद होना चाहिए। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे श्लोक पे, तो आप श्लोक पक्का है 100% याद कर लेंगे। वो भी कितने श्लोक याद करेंगे? 2 श्लोक आपको कम से कम याद रखने होंगे, क्योंकि आपको अगर एक श्लोक याद करते हैं तो कहीं आपका नसीब या भाग्य खराब रहा तो वही श्लोक आपसे उसको अर्थ के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको 2 श्लोक याद करने होंगे, जो कि 2 श्लोक याद करेंगे तो एक अगर आ गया एग्जाम में तो एक नहीं आएगा। तो 2 श्लोक याद करेंगे, और ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है 100%। ठीक ना, तो 2 नंबर यहां से आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आते हैं, देखिए ये आपका मतलब ग्रामर पोर्शन का होगा, 5वें से आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया। अभी मैं संदर्भ सहित व्याख्या या आपका जो भी आपका पदांश गद्यांश होता है, उसको मैं अभी इसमें ऐड नहीं किया हूं, क्योंकि वो तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो कंफर्म है उसी को मैं बता रहा हूं। ठीक, अभी देखिए, और संस्कृत का जो अर्थ लिखने को आता है वो भी आता है, उसके बाद आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन अब ग्रामर पोर्शन में क्या 100% 10 सालों से जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपसे पूछा जा सकता है। 10 सालों में जो प्रश्न आए हैं वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं, बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं इस बार। तो ये देखिए, सबसे पहले रोला एवं सोठा छंद परिभाषा
उदाहरण उदाहरण भी आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये दो नंबर में पूछा जाता है, तो एक नंबर आपको परिभाषा लिखने में आएगा, परिभाषा लिखेंगे दोनों का लिखेंगे तब एक नंबर, ठीक, और उदाहरण इसका बताएंगे तब भी एक नंबर, तो दो नंबर यहां से ऐड हो जाएगा 100%। ये 100% है दोस्तों, आपको जरूर याद होना चाहिए। अभी से आप मेहनत से याद करेंगे, मात्र एक घंटे देंगे हिंदी में ना, तो आपकी हिंदी बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। बहुत लोग हिंदी से डरते हैं। दूसरा आपका प्रश्न यहाँ पे, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, ये भी आपका दो नंबर में पूछा जाता है। तीसरा इसमें है उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, ये भी आपसे दो नंबर में पूछा जाता है। ये 100% हर साल आपको रिपीट होता है, ठीक, तो इसलिए आपको ये 100% याद रखना होगा। 10 साल नहीं, उसके पहले से भी ये रिपीट हो रहा है, जहां तक मुझे अंदाजा है 10 सालों से ही रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके पहले से रिपीट हो रहा है, तो 6 नंबर टोटल यहां से आपको प्राप्त हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे का जो ये प्रश्न है ना, आप खुद बस इस पे 10 मिनट आप समय देंगे ना, जो भी आप बताने जा रहा हूं केवल 10 मिनट आप समय देंगे, तो 100% ये सब आपको तैयार हो जाएगा। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग को समझ लीजिए, जैसे आप थोड़ा भी पढ़े होंगे उपसर्ग ना, तो जो भी वर्ड लिखा जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, जो भी वर्ड लिखा जाता है तो इसके स्टार्टिंग में उपसर्ग, जैसे ये उपसर्ग अ दिया है तो स्टार्टिंग में अ रहेगा, ठीक, और ये उपसर्ग है। अगर प्रत्यय की बात करें तो कोई वर्ड है तो प्रत्यय, तो प्रत्यय आपके बाद में आता है, लास्ट में आता है, तो जैसे आई प्रत्यय है ना, तो आई बाद में आएगा, ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। प से पाछे याद रख लीजिए, उसे आगे याद कर लीजिए, ठीक, आगे ही उपसर्ग लगेगा, पाछे प्रत्यय लगेगा, बहुत कंफ्यूज होता है, हमको भी कंफ्यूज होता था, तो थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा। और से अमन चाहे अभिनव कुछ भी आ कर सकते हैं, अभिनव तो इसमें आ जाएगा, अभी में आ जाएगा अभिनव, जैसे सुषमा इसमें आ जाएगा, अनुभव इसमें आ जाएगा, ठीक, आई आई जो जिस वर्ड के लास्ट में आई होता है ना, वो भी आपका प्रत्यय होता है, वो आई लास्ट में होना चाहिए वर्ड के, ये याद रखेंगे। अब देखिए सातवां प्रश्न आपका, सब ये भी इम्पोर्टेंट है, सातवां प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाता है, ये 3 नंबर में एक तरफ से आपसे ये पूछा जाता है 3 नंबर में, उसके बाद ये दोनों को मिलाकर 3 नंबर में बता रहा हूं, ठीक, उसके बाद समास विग्रह तत्व तत्सम पर्यायवाची, ये आपको मात्र 10 मिनट समय देंगे ना तो याद हो जाएगा। पर्यायवाची बहुत ही आसान आपसे पूछा जाता है, इस पे आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जो भी आपकी बुक में दिया है केवल वहीं से पढ़िएगा, उसी में से आएगा, या क्वेश्चन बैंक जो आता है उससे आप पढ़ लीजिएगा, उसमें भी आपको अच्छी मतलब पर्यायवाची या तत्व तत्सम समास विग्रह मिल जाएगा। अब आते हैं अगले, मतलब पर्यायवाची आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, ये भी आपका तत्सम और तत्व 2 नंबर में, समास विग्रह भी 2 नंबर में, ठीक, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 6 नंबर यहां से हो गया आपका टोटल, ठीक। संधि विच्छेद आता है, संधि विच्छेद आपका 2 नंबर में आता है, कई संधि विच्छेद दिए रहते हैं जिसको मेल करना रहता है, ठीक। उसके बाद आपका निबंध आ गया, निबंध तो मैंने बताया है पहले वीडियो में ही कि कौन कौन से मोस्ट टॉप 5 निबंध ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये टोटल बस निबंध आपको 6 नंबर में लिखना रहता है, 6 नंबर यहां से, और खंड काव्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, जो कि फ्री में नंबर बच्चों को मिलता है, फ्री में नंबर यहां से मिलता है, क्योंकि खंड काव्य हर एक जिले का अलग अलग होता है, ठीक। आप जिस जिले में होंगे ना, क्वेश्चन बैंक आप ओपन करिएगा, क्वेश्चन बैंक के पीछे आपको मालूम चल जाएगा, अगर क्वेश्चन बैंक अभी प्रोवाइड नहीं है तो हो जाएगा, लेकिन मैंने खंड काव्य पे एक वीडियो बनाया, सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस जिले में क्या कौन सा खंड काव्य है। तो ये खंड काव्य आपका 3 नंबर में खंड काव्य पूछा जाता है, जो कि अपने अपने ही जिले का केवल लिखना रहता है। तो ये रहे 10 ऐसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके, जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। अगर इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए एक बार हम टोटल मतलब नंबर को जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी एनालिसिस करा दें कि कितने नंबर आपको फ्री में मिले हैं और अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए 6, 2, 8 नंबर इसका हो गया, ठीक, 8, 3, 11 नंबर इसका हो गया, और ये टोटल 11 और 6, 17 नंबर हो गया, और 17, 3, 20 नंबर इसका हो गया, ठीक, 20 और 6, 26 नंबर इसका हो गया, ठीक, 26, 27, 28 नंबर इसका हो गया, श्लोक का 28 और 6, 34 नंबर इसका हो गया,
ठीक 34, और ये आपका 34 नंबर यहां तक हुआ है ठीक। और अब मान लीजिए इसमें मतलब कहीं दो यहाँ पे पूछ दिया तो दो नंबर इसका, टोटल 3 नंबर, 28 3 31 नंबर, और भाग्य से कहीं मतलब इसको दोहरा दिया, छायावादी द्विवेदी, ये तो कंफर्म है कि इन दोनों को पूछेगा, इन दो इसमें से दो पूछेगा, तो यहाँ पे 3 1 4 नंबर यहाँ से, तो सॉरी 34 4 38 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म होता है, जो कि ये 70 में से 38 नंबर आपका है, 70 में से 38 नंबर है, जो कि बहुत ही फ्री में नंबर मिल रहा है आपको यहाँ से, 38 नंबर यहाँ से। और उसके बाद अभी संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे, और उसका संस्कृत में अनुवाद आता है, संस्कृत का अर्थ लिखने को आता है, अगर आप उन सबको लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कुछ और प्लस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको अगर बुक पूरा पढ़े हैं, पूरी आपको संदर्भ सहित व्याख्या याद है, तो बहुत ही अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बताया हूँ ये 100% आपको यहाँ से मिल सकता है प्रश्न। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।